ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और चाहे तो आप एक कुकर में एक सीटी भी दिला सकते हो, और एक सीटी दिलाने के बाद इसको फटाफट निकाल लो। और बाकी अगर आपको सीटी, मतलब मेरे को सीटी नहीं दिलवानी थी क्योंकि ये कटहल थोड़ी कच्ची थी, तो इसलिए फिर मैंने इसको बॉईल कर लिया खुले में। अब इसको थोड़ी देर बॉईल कर लूँगी, फिर उसके बाद निकाल लूँगी। और फिर तो ये बॉईल हो गई थी और मैंने पानी में से अलग निकाल दिया है इसको। तो और पानी में से अलग निकाल देना, क्योंकि जब आप गर्म पानी में रखोगे तो वो ज़्यादा पक जाएगी, इसलिए पानी में से अलग निकाल के रख देना। और अभी तेल गर्म कर लिया है और अब इसको थोड़ी देर, मतलब थोड़ी सी इसको फ्राई कर लेंगे कटहल को, ताकि ये अच्छा टेस्ट देगी फ्राई करने पर। तो ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो उसके बाद में से इसको तेल में से निकाल लेना। और फिर उसके बाद उसी तेल में थोड़ा सा तेल और डाल लेना अगर कम हो तो, नहीं तो उसी तेल के अंदर अपन प्याज डाल के प्याज को पका लेंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट है ये, और ये टमाटर, तो इनको सबको फ्राई करने के, तो उसी तेल के अंदर फिर मैंने 4 काली मिर्च, 2 लौंग और 2 छोटी इलायची और डाल दी है। और अगर आप चाहो तो इसमें तेज पत्ता और 2-1 बड़ी इलायची और दालचीनी भी डाल सकते हो, लेकिन गरम मसाला हम कम खाते हैं इसलिए फिर मैंने इतना ही डाला। और अब इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी राई है ना, और थोड़ी सी, मतलब 2-4 मेथी के दाने डाले थे मैंने। अगर आप डालना चाहो तो डाल देना, नहीं तो मत डालना, आपकी मर्ज़ी वो। और इसमें थोड़ी सी फिर साबुत धनिया और थोड़ी सी हींग डाल दी फिर मैंने, और हींग डाल के फिर इसको अपन, डालने के बाद फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिए, तो ये प्याज डाल दो। फिर प्याज को हल्का ब्राउन होने तक पका लूँ और ये अच्छे से पक जाए, तब इसके अंदर फिर प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है। और मैं अकेले शूट कर रही थी, मैं खुद ही बना रही थी, खुद ही शूट कर रही थी, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हिल रहा है ये फ़ोन, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है अकेले शूट करना और अकेले ही बनाना, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है कैमरा, और थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है उस चीज़ का, तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। बाकी ये इसको फ्राई हो जाए, फिर फ्राई होने के बाद इसमें अदरक लहसुन का जो अपने पेस्ट बना रखा है उस पेस्ट को डाल देना है। तो ये प्याज पक गए हैं, अब ये प्याज पकने के बाद अब इसमें टमाटर डाल देंगे जो अपन ने काट के रख रखे थे पहले से। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, तो वो टमाटर डाल दिए। अब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए जब तक पकाना है इसको, और अगर जल्दी सॉफ्ट करना है तो इसमें नमक डाल देना पहले, ताकि जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है टमाटर नमक डालने से, तो ये पक जाए। फिर उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर, लगभग मैंने 1 चम्मच डाला है, और इसमें मैं 2 से 2.5 चम्मच धनिया पाउडर, और फिर उसके बाद मैंने लाल मिर्च, 3 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। ये थोड़ी कम तीखी है इसलिए मैंने 3 चम्मच डाले, और हम थोड़ा तीखा ज़्यादा खाते हैं तो उसके हिसाब से आप जैसा खाते हो आप वैसे डाल सकते हो। और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, क्योंकि नमक मैंने बॉयल करते टाइम भी पहले डाला था, इसलिए मैंने 1 ही चम्मच डाला है। और इसमें मैंने पानी वो वाला यूज़ किया जिसमें कटहल बॉयल करी थी, तो वो वाला मैंने इसमें यूज़ कर लिया मसाले में। तो इसमें पानी डाल के अब इस मसाले को अच्छे से पकने दे, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने दे, इसको अच्छे से कवर करके 2 से 3 मिनट पका लेना। और फिर उसके मसाले ने तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब मसाला अच्छे से पक चुका है। वो मसाला पक गया, अब इस मसाले में अपन ने जो कटहल वो फ्राई करके जो निकाल रखी थी उस कटहल को इसमें मिला देना, कटहल और आलू को इसको अच्छे से मिला के, और इसको थोड़ा सा पानी डाल के, जितनी ग्रेवी आप करना चाहो उतना पानी डाल के इसको थोड़ी देर पका लो। और ध्यान रहे कि है ना, मतलब आप जब पानी यूज़ कर रहे हो ग्रेवी के लिए तो गर्म पानी यूज़ करो, ताकि इससे अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप ठंडा पानी मिलाते हो तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है जितना गर्म पानी से आता है, तो आप ग्रेवी के लिए गर्म पानी यूज़ करो। तो मैंने इसमें कस्तूरी मेथी डाली है थोड़ी सी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर किसी को कस्तूरी मेथी का टेस्ट नहीं पसंद तो वो मत डालें, अगर किसी को पसंद है तो आप आराम से डाल सकते हो, इससे अच्छा फ्लेवर आता है कस्तूरी मेथी से। तो बस इसको थोड़ी देर मैंने पका लिया था, और फिर पकने के बाद
बाद ये एकदम तैयार हो चुकी है सब्जी। अगर मतलब आपको कैसी लगी रेसिपी तो आप मेरे को ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर ऐसी और रेसिपी चाहिए तो आप वो भी मेरे को कमेंट करना। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।